भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रही तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भरता ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ जहां रूस लगातार भारत के साथ अपने दीर्घकालिक रक्षा संबंधों को मजबूती देने की कोशिश कर रहा, वहीं फ्रांस जो पहले भारत का एक प्रमुख रक्षा साझेदार है, अब भारत के साथ नए सौदों में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा। हाल ही में रूस के मॉस्को डिफेंस ने एक बड़ा दावा किया है कि फ्रांस के पास अब भारत को देने के लिए कुछ खास नहीं बचा और इसके पीछे की वजह भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता का बढ़ना है। दरअसल रूस का ये दावा है कि फ्रांस के पास अब भारत को देने के लिए सिर्फ कुछ गिनी चुनी तकनीकें बची हैं। ये दिखाता है कि भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो केवल हथियार आयात नहीं करता बल्कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा। फ्रांस के पास अब सिर्फ दो बड़े रक्षा विकल्प बचते हैं, पहला इंजन की तकनीक और दूसरा परमाणु पनडुब्बी के विकास में सहयोग। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों में भी भारत के पास अन्य देशों से सहयोग लेने का विकल्प मौजूद है। उदाहरण के लिए रूस और अमेरिका जैसे देश भारत को इन तकनीकों में मदद कर सकते हैं। रूस के मुताबिक भारत पहले ही अपनी तकनीक को इतना विकसित कर चुका है कि उसे अब फ्रांस से नई तकनीक लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है। रूस ने यह भी दावा किया है कि हाल ही में मोरक्को जो लंबे समय से फ्रांस के VAB इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का उपयोग करता था, उसने अब भारत के VAB आर्म प्लेटफॉर्म को चुन लिया है। ये फैसला फ्रांस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि ये न केवल भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहा बल्कि ये भी दिखाता है कि अन्य देश अब भारतीय रक्षा तकनीक पर भरोसा कर रहे। रूस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फ्रांस पर तंज कसा कि अगर फ्रांस अपने पुराने ग्राहक मोरक्को को भी बेहतर विकल्प नहीं दे पा रहा तो ये भारत को कैसे अच्छा विकल्प दे सकता है। ये सवाल उठना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस और फ्रांस दोनों ही भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए होड़ कर रहे। रूस ने अपने इस बयान के जरिए स्पष्ट कर दिया कि वो भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा रूस ये भी मानता है कि वो भारत को फ्रांस से बेहतर तकनीक और सहयोग दे सकता है। खैर, रूस और फ्रांस के बीच भारत को लेकर हो रही ये तनातनी इस बात का संकेत है कि भारत अब वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन चुका है। फ्रांस जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है अब धीरे धीरे अपनी स्थिति खोता हुआ नजर आ रहा, जैसा कि रूस का दावा है। हालांकि रूस अपने मजबूत संबंधों के साथ भारत को बेहतर विकल्प देने की कोशिश कर रहा। भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में उसकी बढ़ती ताकत आने वाले वक्त में वैश्विक हथियार बाजार में नए संकटों को जन्म देगी और देखना तो ये होगा कि रूस और फ्रांस जैसे देश इस बदलते हुए परिदृश्य में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर और मॉस्को डिफेंस की इस रिपोर्ट पर कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।